दोस्तों T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने में मात्र एक दिन का समय बचा है। 1 जून से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला USA और कनाडा के बीच में 1 जून को खेला जाएगा। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के लीग मुकाबले शुरू होने से पहले ही भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में 1 जून को एक शानदार प्रैक्टिस मुकाबला खेला जाएगा। और दोस्तों इस प्रैक्टिस मुकाबले के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। टीम इंडिया प्रैक्टिस मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को काफी ज्यादा हाई करना चाहती है। ऐसे में बांग्लादेश की टीम को बुरी तरह से कुचलने के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों की एंट्री कराई है, जिसे देखकर बांग्लादेशी कप्तान समेत पूरी बांग्लादेश की टीम को अभी से हारने का डर सताने लगा है। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस प्रैक्टिस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी टीम में चौंकाने वाले बड़े बदलाव कर दिए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले प्रैक्टिस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कौन कौन से खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 में एंट्री कराई है और कौन कौन से खिलाड़ियों को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है। और दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस प्रैक्टिस मुकाबले में आखिर कैसी होने वाली है भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11। दोस्तों पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसे अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने दोनों ही देशों ने मिलकर होस्ट किया है, यानी कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप 2024 के आधे आधे मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के ज्यादातर मुकाबले USA में खेले जाएंगे। और 2024 के इस T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत करने के लिए टीम इंडिया 28 मई को ही USA पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी जैसे कि विराट कोहली अमेरिका थोड़े लेट पहुंचे थे। विराट कोहली 30 मई को अमेरिका पहुंच गए थे, जिसमें टीम इंडिया ने 2 दिनों का शानदार प्रैक्टिस सेशन किया। प्रैक्टिस सेशन में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रैक्टिस की और काफी अच्छा खेल दिखाया। अब दोस्तों भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्रैक्टिस मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ नसाउ क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में होने जा रहा है, जो कि 1 जून को रात के 8 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों इस मुकाबले के लिए अगर टीम इंडिया की खतरनाक प्लेइंग 11 के बारे में बात करें और टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में के बारे में बात करें, तो यहाँ पर ओपनिंग बैटल में टीम इंडिया के कप्तान और दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा के साथ में बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का प्रदर्शन IPL 2024 में कुछ खास नहीं रहा। लेकिन दोस्तों उससे पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने ODI वर्ल्ड कप में काफी शानदार प्रदर्शन किया था और टीम इंडिया के लिए अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर कई मैचों में जीत दिलाई थी। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो यशस्वी जायसवाल ने IPL 2024 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए और राजस्थान की ओपनिंग करते हुए काफी दमदार बल्लेबाजी करी थी और राजस्थान टीम के लिए अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर कई मैचों में जीत भी दिलाई थी। इसलिए दोस्तों यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी इस बार T20 वर्ल्ड कप में काफी शानदार होने जा रही है और ये दोनों ही खिलाड़ी प्रैक्टिस मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर टीम इंडिया के खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों विराट कोहली की जगह तीसरे नंबर पर फिक्स है। विराट कोहली हर फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और तीसरे नंबर पर आकर विराट कोहली टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं और अकेले के दम पर टीम इंडिया के लिए मैच जितवा देते हैं। विराट कोहली ने IPL 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए काफी शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें विराट कोहली ने IPL 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे और ऑरेंज कैप भी हासिल करी थी। विराट कोहली ने IPL 2024 में 741 रन बनाकर ऑरेंज कैप होल्डर बन गए थे और उससे पहले भी विराट कोहली ने ODI वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए दमदार प्रदर्शन किया था। तीसरे नंबर पर विराट कोहली की जगह पूरी तरह फिक्स हो गई है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पर टीम इंडिया के काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज और T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। सूर्यकुमार यादव T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं और सूर्या मैदान के चारों तरफ बल्लेबाजी करके बड़े बड़े गेंदबाजों को
काफी ज्यादा परेशान करते हैं। इसलिए दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं और चौथे नंबर पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें पांचवें नंबर की, तो पांचवें नंबर पर यहाँ पर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों इस मुकाबले में यानी कि प्रैक्टिस मुकाबले में ऋषभ पंत खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि संजू सैमसन को एक बार मौका दिया जाएगा। अगर संजू सैमसन इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो अगले मुकाबले में भी यानी कि लीग मुकाबलों में संजू सैमसन को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिल सकता है। अगर इस मुकाबले में संजू सैमसन फेल हो गए तो अगले मुकाबलों में ऋषभ पंत टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए आईपीएल 2024 में कमाल का प्रदर्शन किया था। और दोस्तों अगर इस प्रैक्टिस मुकाबले में बात करें छठवें नंबर की, तो छठवें नंबर पर यहाँ पर टीम इंडिया के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले नंबर पर हार्दिक पांड्या और दूसरे नंबर पर शिवम दुबे। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस प्रैक्टिस मुकाबले में हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे, क्योंकि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शिवम दुबे को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि अगर शिवम दुबे इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आने वाले अगले मुकाबलों में शिवम दुबे को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिल सकता है। इसलिए दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने यहां पर हार्दिक पांड्या को बाहर करके शिवम दुबे को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है। शिवम दुबे ने आईपीएल 2024 में चेन्नई की तरफ से खेलते हुए काफी शानदार प्रदर्शन किया था और शिवम दुबे गेंदबाजी के साथ साथ शानदार बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें सातवें नंबर की, तो प्रैक्टिस मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ सातवें नंबर पर एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें से रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल शामिल हैं। आपको बता दें कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में इस प्रैक्टिस मुकाबले में रविंद्र जडेजा को कप्तान रोहित शर्मा ने बाहर कर दिया है, क्योंकि इस प्रैक्टिस मुकाबले में अक्षर पटेल को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। अब अगर अक्षर पटेल इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो T20 वर्ल्ड कप के आने वाले अगले मुकाबलों में अक्षर पटेल को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिल सकता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अक्षर पटेल गेंदबाजी के साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करके टीम इंडिया के लिए मैच जितवा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें आठवीं नंबर की, तो आठवीं नंबर पर यहाँ पर एक बार फिर से बॉलिंग ऑप्शन में टीम इंडिया के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें से कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लेकिन इस मुकाबले में युजवेंद्र चहल को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिल रहा है। युजवेंद्र चहल को लंबे समय से बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला, इसलिए कप्तान रोहित शर्मा युजवेंद्र चहल को इस प्रैक्टिस मुकाबले में खेलने का मौका दे सकते हैं और कुलदीप यादव को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों युजवेंद्र चहल टीम इंडिया के शानदार स्पिन गेंदबाज हैं और भारतीय टीम के विकेट टेकर गेंदबाज भी हैं। दोस्तों अगर बात करें नौवें नंबर की, तो नौवें नंबर पर यहाँ पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों दसवें नंबर पर जसप्रीत बुमराह और ग्यारहवें नंबर पर मोहम्मद सिराज को खेलने का मौका मिला है। दोस्तों आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के काफी खतरनाक और तेज गेंदबाज हैं और भारतीय टीम के लिए विकेट टेकर गेंदबाज हैं, और ये तीनों ही खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए पहले ओवरों में काफी शानदार गेंदबाजी करके विकेट निकाल कर दे सकते हैं और भारतीय टीम के लिए अपनी शानदार गेंदबाजी से मैच जितवा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही टीम इंडिया की प्लेइंग 11। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि 1 जून को भारत और बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस महा मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी? आप हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।